हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 22 मार्च 2020। वीकली एमसीक्यू ऑफ मार्च हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो एमसीक्यू रहेगा वो 22 से 17 तक रहेगा, मतलब कि 22 का जो करंट अफेयर्स होगा वो पहले डिस्कस करेंगे, फिर 17 से 21 तक का करंट अफेयर वन लाइनर में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज के तौर पर। ओके, तो आप वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, वेरी फ्रूटफुल आपके लिए होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है, मतलब कि वर्ल्ड स्पैरो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का विशिष्ट वीवीआईपी सुरक्षा विभाग कौन सा है? तो वो है विशेष सुरक्षा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य तथा केंद्र सरकारों के राजकोषीय समेकन के लिए समीक्षा करने हेतु वित्त आयोग ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो जिसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह, पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं एन के सिंह जी। ओके, अगर वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया तो आप बता देंगे के सी नियोगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना विषाणु के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत निधि तय करने के लिए प्रधानमंत्री ने कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यबल की स्थापना करने की घोषणा की, जिसके प्रमुख कौन है? तो जिसकी प्रमुख हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और इनका निर्वाचन क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो वो है नॉर्थ कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली प्रतिवेदन के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो वो है फिनलैंड, और ये तीसरी बार है कि टॉप पर रहा है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बस 2020 से 2021 में भेजे जाने वाले अंतरिक्ष अभियानों की संख्या कितनी है? तो वो है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबीन ईरानी ने किस शहर में प्रयोग के रूप में एक शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो बेंगलुरु में स्मृति जुबीन ईरानी के द्वारा एक फेस्टिवल शॉपिंग आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है, कि एक शॉपिंग होगी जिसे फेस्टिवल के रूप में आयोजित किया जाएगा। तो बेंगलुरु के और भी दो पहचान होती है, इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जानते हैं और सिलिकॉन सिटी के नाम से भी बेंगलुरु को जानते हैं। बेंगलुरु पहले राज्य का पहला शहर है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किस योजना के तहत एक व्यापक विश्वविद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम विकसित किया है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत इन्होंने एक व्यापक स्वास्थ्य विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को डेवलपमेंट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक स्थापित किए जा रहे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दुनिया में बिजली का कौन से नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और वह वर्ष 2017 में प्रति व्यक्ति खपत के मामले में 106वें स्थान पर है? तो भारत में जो बिजली की उत्पादन होता है वो तीसरे नंबर पर होता है दुनिया में। ओके, और 106वें नंबर पर है बिजली खपत में प्रति व्यक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर, इन शहरों में पीपीपी तत्व पर 5 IIT को किसका दर्जा देगा जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करेगा? तो वैधानिक संस्थान का दर्जा दे दिया जाएगा इन 5 IIT कॉलेजेस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 करोड़ जनजातीय उद्यमियों को बदलने के हेतु ट्राइफेड द्वारा शुरू की गई परियोजना कौन सी है? तो वो है ट्रैक फॉर ट्राइबल जो परियोजना है वो ट्राइफेड द्वारा शुरू की गई परियोजना है। ये जनजातीय उद्यमों को बदलने के हेतु शुरू की गई है। जनता कर्फ्यू किस तारीख के लिए लगाया गया? तो अब आज है 22 मार्च, तो आज है जनता कर्फ्यू, तो आपको 7 बजे से, सुबह 7 बजे से शाम रात को 9 बजे तक घर में ही रहना है, और आप सभी को इस आदेश का पालन भी करना होगा। ये हम ही लोगों के बेनिफिट की बात है। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो जस्ट करंट अफेयर के बाद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक के निदेशक मंडल पर नियुक्त किए गए अतिरिक्त निदेशक कौन कौन है? तो वो हैं आर गांधी और अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो बने न्यायमूर्ति भूषण प्रद्युम्न धर्माधिकारी। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके,
तो अब इसमें यह है कि मुंबई क्या है, तो ये महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिनका निधन 20 मार्च 2020 को कोलकाता में हुआ उनका नाम क्या है, तो वो है पीके बनर्जी। बस 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के विजेता थे ये। ओके, क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, ओबीचेरी से पीके बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह फुटबॉल खिलाड़ी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से दुग्धालय सहकारी समितियों के लिए एक योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, तो जम्मू और कश्मीर को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलनाथ ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो मध्य प्रदेश से के जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों में दलितों सहित विभिन्न पिछड़े वर्गों के लोगों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की जांच करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार का नया आयोग कौन सा बना है, एक नया आयोग बनाया गया जम्मू कश्मीर में, उसका नाम क्या है, तो जम्मू और कश्मीर सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन के हस्तशिल्प विभाग में कौन से विभाग को विलय करने की मंजूरी दी गई है, तो हथकरघा विकास विभाग को हस्तशिल्प विभाग में विलय करने की मंजूरी दे दी गई है। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उनसे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। जनजातीय कल्याण मंत्रालय इस वर्ष से एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है, तो किस वर्ष से, 1998 से 1999 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, एन्यूअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग पहल की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 2018 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई, 10 मार्च 1969 में, 1969 में। भारत का पहला वित्त आयोग बस 1951 में और 52 से 57 की अवधि के लिए केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था। भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1969 में हुई, और मुख्यालय अगर पूछ रहे हैं तो बेंगलुरु में। भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित की जो स्थापना वो कब हुई, तो बस 1987 में ये स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से रिवाइज्ड क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे, तो ये 17 मार्च थे उसके ये रिवाइज्ड क्वेश्चन है, उसके बाद से 18, 19, 21 तक ये रहेंगे 20s। ठीक है, विश्व सिख पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 14 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2020 को मनाया गया का अभियान किस विषय पर आधारित था, तो हैशटैग सस्टेनेबल कंज्यूमर पर ये आधारित था, या इसकी थीम थी हैशटैग सस्टेनेबल कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन पर नया GST दर क्या है, पहले 18% था, अब 12% बढ़ा दिया गया है, तो इस पर 28% हो गया, एंड ये 1 अप्रैल से प्रभाव में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय में पहला अंतः विषय पर्यावरण अध्ययन स्कूल कौन सा है, तो वो है जिंदल स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान पत्तन परिषद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट अवार्ड्स में बस 2019 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट बॉय साइज एंड रीजन किसे दिया गया है, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को दिया गया है जो कि हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में तीसरा ACI ग्राहक अनुभव वैश्विक शिखर परिषद कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो क्राको पोलैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जो UNEP के साथ साझेदारी में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख द्वारा शुरू किए गए आई लीव सिंपली आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, तो सोनम वांगचुंग जी आई लीव सिंपली आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा पर पत्रकारिता के लिए सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा दिए गए शीर्ष पुरस्कार के विजेता कौन कौन बने हैं, तो प्राची सालवे और प्रदीप द्विवेदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कट के ओमान ओपन 2020 में अंडर 21 प्रो साइकिल खिताब विजेता कौन बने, तो वो बने हैं जीत चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में थोक मूल्यों पर आधारित भारत का वार्षिक मुद्रा स्फीति दर कितनी है, तो वो है 2.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 महामारी का जवाब देने के लिए WHO के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन और स्विस फिलैंथ्रोपी फाउंडेशन द्वारा बनाया गया नया कोर्स कौन सा है, तो वो है कोरोना वायरस डिजीज सॉलिडरिटी रिस्पॉन्स फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सागर विश्वविद्यालय या संस्थान अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ मिलकर
किस शहर में अटल इनक्यूबेशन सेंटर दयानंद सागर यूनिवर्सिटी इनोवेशन लैब की स्थापना करेगा? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने किन तीन मान्यता प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बदलने का एक विधेयक पारित कर दिया है? तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड 19 आपातकालीन निधि में भारत का योगदान की राशि कितनी है? तो वो है, अगर कोविड 19 आपातकालीन निधि है तो उसमें भारत ने $1,00,000 दिए हैं। ओके, $10 मिलियन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय माध्यम महासंघ द्वारा घोषित दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ जनसंपर्क अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं कंचन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ और बायोग्राफी ऑफ मनोहर परिकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेनकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अखनवा सनरोई सिंगी तेंगवांग और मुख्यमंत्री आर्टिस्ट सिंगी तेंगवांग योजना प्रस्तुत करने वाली सरकार कौन सी है? तो वो है मणिपुर सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का नया राजनीतिक पक्ष का नाम क्या है? तो वो है आज़ाद समाज पार्टी। भारत में आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया गया है? तो 18 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडी संस्थान के संशोधित पूर्वानुमान के अनुसार बस 2020 के लिए भारत की जीडीपी दर कितनी रहेगी? तो 5.3% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में शामिल नहीं हुआ एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वह है पश्चिम बंगाल। विमान संशोधन विधेयक 2020 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा विभाग और विमान दुर्घटना जांच विभाग के लिए दर्जा देने के लिए समर्थन प्रदान करता वह संस्थान कौन सा है? तो वह वैधानिक संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्मार्ट सिटी जिसने आईटी टाउनशिप गो ग्रीन प्रयासों के लिए 2019-20 के लिए एफएम एक्सीलेंस अवार्ड में उद्योग निकाय का पुरस्कार जीता है, तो वह कौन सा शहर है? तो वो है कोच्चि, जो कि केरल का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के साथ मिलकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मतलब MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान कौन सा है? तो वो है सोलर चरखा मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं प्रशांत कुमार जी। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश कौन है जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है? तो रंजन गोगोई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो रविंदर सिंह ढिल्लों जो हैं वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें मघई ओझा पुरस्कार के विजेता कौन है? तो डॉक्टर परमानंद मजूमदार जो हैं 10वें मघई ओझा पुरस्कार के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी लोहानी जी को आंध्र प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में कौन बने हैं, किसे नियुक्त किया गया है? तो एम गोपाल रेड्डी जी को मुख्य सचिव बनाया गया है मध्य प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है शोभा ओझा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज एडॉप्टिंग टू ए डिसरप्टेड वर्ल्ड इस विषय के तहत विश्व शहर शिखर परिषद 2020 5 से 9 जुलाई 2020 अवधि के में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर की कैपिटल होती है सिंगापुर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड 19 के तेजी से प्रसार का जवाब देने के लिए अपने प्रयासों में पहले घोषित $2 अरब की राशि में $14 अरब की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? तो ये विश्व बैंक ने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने भूटान में अपना पहला पेट्रोल पंप शुरू किया है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड ने भूटान में अपना पहला पेट्रोल पंप शुरू किया है। भूटान की कैपिटल होती है थिम्पू और यहाँ की करेंसी होती है नगुलट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव स्थापित केंद्रीय हिमालयन संस्कृति शिक्षण संस्थान का स्थल क्या है? तो वो है दाहुंग, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना विषाणु परीक्षण करने के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी का नाम क्या है? तो वो है रोस डायग्नोस्टिक्स इंडिया, स्विस कंपनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल पंच की ICC विकास समिति में शामिल होने वाले भारतीय कौन कौन हैं? तो वो हैं बृंदा राठी और एन चनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? तो वो हैं शरद पवार और रामदास अठावले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंडल को राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शैक्षिक मंडल के साथ विलय करने का निर्णय लिया है? तो वो महाराष्ट्र ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी में
कंपनी ने औद्योगिक और अवसंरचना, साइबर स्पेस इन क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ एक बहुवर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों किए हैं? साइबर स्पेस और अनुसंधान क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ इन्होंने बहुवर्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों किए हैं? औद्योगिक और अवसंरचना साइबर स्पेस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो कंपोजिट कोटिंग की एक प्रक्रिया विकसित की जो दो वस्तुओं में होने वाले घर्षण को कम कर सकती है? तो इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ने ये एक नैनो कंपोजिट कोटिंग विकसित कर दी है, जिससे क्या होगा, घर्षण करने वाले जो दो वस्तुएं घर्षण करती हैं उनके घर्षण को कम कर सकती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को मनाया गया, उसके लिए थीम क्या रही? तो हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की भी हमने इसमें मर्ज कर दी, उसे भी देख लीजिए। टॉप 5 हैप्पीएस्ट कंट्रीज जो है वो है, फर्स्ट नंबर पे आपका फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है। और बॉटम मतलब कि निचले स्तर पर अनहैप्पी मतलब कि जो दुखी रहती है कंट्रीज, वो कौन कौन सी? तो फर्स्ट नंबर पे अफगानिस्तान है, साउथ सूडान है, जिम्बाब्वे है, रवांडा है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। ओके, अब इंडिया की अगर प्लेस पूछ ली जाए कि हैप्पीनेस में इंडिया की कौन सी प्लेस है, तो वो है इंडिया की रैंक है 144 पोजीशन पर है 153 नेशंस में। ओके, तो इंडिया की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि 20 मार्च 2020 को खुले बाजार संचालन के माध्यम से कितने रुपए की भारत सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद करेगा? तो 10,000 करोड़ रुपए से भारत सरकार प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग विकास बैंक नवोदित उद्यमियों के लिए 5 जून 2020 को किस ट्रेन को शुरू करेगा जो 7,000 किलोमीटर यात्रा करते हुए 15 दिनों के अंतराल में लखनऊ से वाराणसी तक 11 उद्यमी शहरों की यात्रा करेगा? तो वो स्वालंबन एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंपनी कौन सी जिसने नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए इनोवेट फॉर ए एक्सेसिबल इंडिया अभियान की घोषणा की है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने एक विधेयक को मंजूरी दी जो जामनगर में स्थित किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करता है? तो आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान और गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय परिसर में स्थित आयुर्वेदिक संस्थानों के समूह को ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन शहरों में 2 नेशनल डेटा सेंटर स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है? तो वो है शहर भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का, गुवाहाटी है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्ति से रहेगा, पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो संजय कुमार जी। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो अजीत कुमार दास जी। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो वीरूपच्छ मिश्रा जी। केनरा बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो कृष्णन एस बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो अजय के खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के रामचंद्रन को। बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो PR राजगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में कोरोना विषाणु को एक अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ अभिसरण करने के लिए स्वास्थ्य योजना को मुफ्त में प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है? तो जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने वैज्ञानिकों को कोरोना विषाणु के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में एक नया हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर हिमाचल प्रदेश ने एक हैंड सैनिटाइजर विकसित किया जो कोरोना विषाणु के खिलाफ एक निवारक उपाय है। तो ये था हमारा आज का वीकली MCQ का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, हमारे टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट एंड डेली मोशन एंड ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको खबरी ऐप इंस्टॉल करना अगर आपके मोबाइल में नहीं है
तो और वहाँ पर आपको ऑडियो रिवीजन जरूर से करना है और फॉलो भी करना है वहाँ पर, ओके। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो भी क्लासेस होते हैं उनकी PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी, ओके। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देते हैं तो आपको आंसर कर दिया जाएगा। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और अपना जो भी आपके सपने उनका ख्याल अच्छे से रखिए और प्रयास करते रहिए, इस जुनून के साथ हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे, ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।